हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो हमारी 15वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की आने वाली थी, तब उसका स्टेटस कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है। यानी जो हमारे लाभार्थी हैं किसान भाई, तो उनको किस्त मिलने वाली है अब, जिसका स्टेटस बदल रहा है। तो ये हम आप लोगों को बताएंगे कैसे चेक करना है अपना स्टेटस। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ पे टाइप कर देते हैं पीएम किसान और गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और नो योर स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर इसको सिलेक्ट करना कर लेना है ऐसे। और यहाँ पर मोबाइल नंबर से निकाल सकते हैं, आधार नंबर से निकाल सकते हैं। इसकी वीडियो आप हमारे वीडियो चैनल में देख सकते हैं। दोस्तों पहले हम आप लोगों को स्टेटस दिखाते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर हम अपना वही नो योर स्टेटस सेलेक्ट करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल देना है, कैप्चर कोड। सर्च कर गेट डाटा, इसके ऊपर टिक कर देना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो हमारा स्टेटस है वो खुलकर आ गया है। जो हमारी इसके पहले किस्त आई थी 27 जुलाई को, हमारा वो वाला स्टेटस अभी दिखा रहा है। तो हमें जो 13 मिली थी, हमें 14वीं किस्त है। आपकी जो भी हो आने वाली वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको सिलेक्ट करेंगे जब आप, तब इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा और जो FTO प्रोसीड नो है और इसके नीचे पेमेंट स्टेटस लिखा हुआ है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, तो यानी RFT इसके बाद साइन होगा, फिर पेमेंट प्रोसीड, दो ऑप्शन में से कोई भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर समझ लेना आप लोगों को बहुत ही जल्द किस्त आने वाली है और ये स्टेटस बदलने वाला है। लगभग 5 से 7 दिन में बदल जाएगा स्टेटस बहुत ही जल्द। आप लोगों के खाते में 2000 रुपये आने वाले हैं बहुत ही जल्द। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।